गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले मेरे पास थ्री कैपेसिटर्स अवेलेबल है, C1, C2 एंड C3। फर्स्ट ऑफ ऑल द चार्जिंग on each capacitor is given by Q1 is equals to C1 into V, Q2 is equals to C2 into V, or Q3 is equals to C3 into V। अब यहां पर मैंने V क्यों लिखा, V1, V2 और V3 लिखना चाहिए, बट मैंने वी क्यों लिखा, बिकॉज इन द पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर आर सेम, सो दैट वी कैन राइट वी ओवर हियर। क्लियर? नाउ द टोटल चार्ज इज गिवन बाय क्यू, हमारा टोटल चार्ज क्यू कितना होगा, तो ये तीनों के एडिशन के बराबर होगा ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर? अब Q1 की वैल्यू क्या है, C1 इंटू वी, Q2 की वैल्यू C2 इंटू वी प्लस C3 into V, ये लिख लिया। उसके बाद इन तीनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, वी को कॉमन निकालेंगे, वी को बनाया ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर? अब मैं क्या करूं, यहां पर ये वाला जो वी है वो मल्टीप्लीकेशन में, अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसको क्या करना होगा, डिवाइड, दैट मीन्स क्यू डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। बट एज यू नो दैट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू बाय, कैपेसिटेंस सी का फॉर्मूला क्या है, क्यू डिवाइड बाई, तो यहां पर क्यू बाई वी के इन प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव। अब अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स अवेलेबल है, दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर अवेलेबल, तो हमें फॉर्मूला में क्या चेंज करना है, सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C, इतना चेंजेस करना है। क्लियर? आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले मैंने चार्ज का फॉर्मूला लिखा, Q1 कितना होगा C1 इंटू वी, Q2 की वैल्यू C2 इंटू वी और Q3 की वैल्यू C3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज गिवन बाय Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये लिख लिया। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन नंबर 1, Q1 की वैल्यू C1 इंटू वी, Q2 की वैल्यू C2 इंटू वी और Q3 की वैल्यू C3 इंटू वी। उसके बाद तीनों में से कॉमन क्या निकाला, वी कॉमन आ गया, ये C1 C2 C3 एज इट इज। अब ये वी को डिवाइड कर दिया, उसके बाद कैपेसिटर सी इज गिवन बाय क्यू बाय क्यू बाई वी के इंप्लेस मैंने क्या लिख दिया, सी। तो ये फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स अवेलेबल है तो C इज गिवन बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn. क्लियर? थैंक यू.